1 2 3। हेलो दोस्तों, खाजा सर्विस सेंटर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मैं लाया हूँ हीरो डेविड, जिसके डिजिटल मीटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और पेट्रोल नहीं शो कर रहा था। तो दिखाते हैं आपको पेट्रोल में मीटर में क्या दिक्कत है। स्कूटी है और हम आपको दिखाते हैं चाबी ऑन करके, और ये यहाँ से चाबी ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों मीटर ऑन हो चुका है और ये देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है इस तरीके से दिखाता है और ये परेशानी हो रही है। अब दिखाते हैं आपको क्या क्या परेशानी, इसके कारण किस लिए परेशानी हुई, इससे ये जो परेशानी हुई थी किस वजह से हुई है और क्या ख़राब इसके अंदर। दोस्तों सबसे पहले हमने सीट खोल ली और सीट निकालते हैं। तो दोस्तों हमने सीट निकाल लेनी पूरी तरीके से। तो दोस्तों अभी हम इसका कवर और खोल लेते हैं, इसका बाहर निकाल लेते हैं पूरी तरीके से और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सेंसर है गेज, और अभी इसकी लीड निकाल के चेक करते हैं आपको क्या दिक्कत है इसके अंदर। दोस्तों इसकी जो सॉकेट है, उसी सॉकेट को हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं एक बार और क्या दिक्कत आ रही है और किसी वजह से ये मीटर ने शो नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों सबसे पहले ये वाली मीटर है की वायर है और इसके खोल लेते हैं और मीटर की वायर को इसके पे हम लगा के डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये सेंसर खोल लिया और इसके अंदर एक स्पीड पिन ले लिया और डायरेक्ट देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों अब इसके अंदर लगा देते हैं, लगा के चेक करते हैं मीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये गेज ख़राब है या टैंक में मीटर ख़राब है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से मैंने स्पीड पिन लगा दी है, अब इसके बाद चेक करते हैं मीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों अभी हमने चेक कर लेने पूरी तरीके से, यहाँ पे अभी हम चाबी ऑन करते हैं, डायरेक्ट कर रखा था। तो दोस्तों यहाँ काम कर रहा है पूरी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ मीटर पूरी तरीके से काम कर रहा है, आप देखो यहाँ पे अभी ये पूरा फुल दिखा रहा है क्योंकि हमने वहाँ से पीछे से डायरेक्ट करा था, तो जिसकी वजह से अब ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। और इसको अभी देखो दोस्तों, अभी हमने इसके अंदर नया सेंसर खोल के दिखाते हैं। तो इसका पहले हम सेंसर खोल लेते हैं और सेंसर में क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सॉकेट कैसे लेनी है, और दोस्तों जब भी हम इसको खोलें तो इसको एक तरीके से खोलना है कि इसको यहाँ पर लॉक होता है और ये लॉक होने के बाद हम इसको पूरी तरीके से लॉक ऊपर करके हल्के से पेचकस से और इसको बढ़िया तरीके से खोलना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को हल्का सा ऊपर ये उठा लेना है और इसके बाद में जो है हम इसके अंदर यूँ कर लेंगे और इसको ऐसे में, और दोस्तों इसको ऐसे करके धक्का मारना होगा और धक्का मारेंगे तभी निकलेगा ये। तो दोस्तों ये यहाँ पूरी तरीके से निकल चुका है, ये देखो। तो दोस्तों इसकी जो सेंसर गेज है इसमें दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इसको अभी मेन तरीके से निकाल दिया है और ये गेज देखो दोस्तों, जिसकी वजह से ख़राब हो रहा है गेज। तो इसके अंदर एक छोटी सी पत्ती होती है। तो दोस्तों इसकी जो सेंसर के अंदर ना हल्की हल्की वायरिंग होती है और वायर पत्ती होती है, जिसकी वजह से ये काम करता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से ये काम करता है, अगर इसकी वजह से इसमें दिक्कत आई जिसकी जो हमें इसके बदलना पड़ेगा, और ये बदलते हमारा मीटर पूरी तरीके से काम करेगा। और दिखाते हैं आपको नया मीटर डाल के और इसके अंदर नया गेज डलेगा। तो दोस्तों अभी हमने न्यू हीरो का ले लिया है सेंसर, नया गेज, और अब गेज को लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे लगेगा और गेज कौन सा वही है या कोई और अलग है। तो दोस्तों हमने हीरो को स्पेशली नया लिया है। तो दोस्तों ये गेज ले लिया और गेज यहाँ पर पूरी तरीके से हमने देखो नया ले लिया और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से ठीक है, नया है। अब लगा के इसको फिट करके चेक करते हैं और इसको देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को गेज इस तरीके से लगाना है, जैसे खोला हमने वैसे ही उसी तरीके से फिट करना है। और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो एक डॉट है और इस डॉट को इस डॉट से मिला देना है, जिससे आउट नहीं होना चाहिए, और आउट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और इसके ऊपर एक लॉक कर देते हैं इसको। तो दोस्तों ये पत्ती इस तरीके से डालनी है इसके अंदर, अब हम इसको लॉक कर देंगे, लॉक हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसको फिट कर देंगे पूरी लीड को यहाँ पर। तो दोस्तों इसको भी लॉक कर दें हल्की तरीके से, जिसकी वजह से आपको लीकेज नहीं हो पाएगी और पत्तियाँ को परेशानी नहीं होगी। कि लीड को निकाल दिया है और यहाँ पे दूसरी लीड अपडेट कर दिया, तो अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब पूरी तरह से फिट हो चुका है, अब इसको चाबी ऑन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने चाबी ऑन कर लिया और अब देखते हैं गैस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों गैस हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से और हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों गाड़ी हमारी पूरी एकदम